नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह, और चक्रव्यूह में मेरे साथ हैं सांसद रमेश कौशिक, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि जिस तरह से एक बदलाव हरियाणा की सियासत में पूरा आया, बीजेपी पहली बार सत्ता में आई और लोकसभा में भी हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी में इतने सांसद चुनकर आए, इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? हरियाणा में जो एक जबरदस्त बदलाव सारे देश में आया है जी, और उसके साथ साथ हरियाणा में भी एक बदलाव आया है। लोगों का कांग्रेस के शासन से विश्वास डग चुका था और देश में विश्वास नाम की चीज़ नहीं रही थी, अफरा तफरी मची हुई थी। लोगों ने, पूरे देश की युवा शक्ति ने, सबका एक ही था कि देश में एक मजबूत नेता और मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। उसी के ऊपर सबका ध्यान नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उनकी तरफ गया और लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में पूरा विश्वास प्रकट किया। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ सबने कहा मोदी वेव थी, जब विधानसभा चुनाव हुए सबने कहा कि अलग मुद्दे होंगे, क्या अंडरकरंट था मोदी को लेकर जो कोई देख नहीं पाया? मोदी जी के नाम का अंडरकरंट था, लोग समझ नहीं रहे थे। पार्लियामेंट में तो था ही था, विधानसभा में भी मोदी जी के नाम का जबरदस्त करंट था। जितना बड़ा बदलाव इस बार हरियाणा की सियासत के इतिहास में देखें तो पहली बार बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आई और फिर अब उसकी बीजेपी की सरकार है। जाहिर तौर पर लोगों ने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी हैं बीजेपी से। बड़े बदलाव की जब हम बात करते हैं तो लोगों की उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। क्या आपको लगता है बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं बीजेपी सरकार? ये बात बिल्कुल ठीक है, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री जी बने हैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं, और सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं, और हम उन सब उम्मीदों पर खरे उतरने ही भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश। चुनौतियां क्या है? चुनौतियां हमारे सामने, पहले जो शासन था भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था, परिवारवाद था, क्षेत्रवाद था, और हरियाणा आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल खोखला इन्होंने शासन कर रखा था, और एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो सब बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौतियां हैं, और विकास में हर तरह भेदभाव हो रहा था हरियाणा में, वो सब चुनौतियों हम ठीक करेंगे और सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन विकास के नाम पर भेदभाव की बातें चलिए बहुत उठी हैं, हमेशा ही उठी हैं। अभी रामविलास शर्मा का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा का विकास बड़े पैमाने पर होगा। आपको नहीं लगता कि इस तरह की स्टेटमेंट्स देना ये कहीं ना कहीं गलत संकेत करता है? क्योंकि जब हम विकास की बात करते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं पूरे हरियाणा का विकास होगा, बीजेपी कहती है जब विपक्ष में थी हरियाणा का विकास होगा, अब सत्ता में के बाद ये कहना कि दक्षिण हरियाणा का बड़े पैमाने पे विकास होगा, ये क्या? मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है पूरे हरियाणा का विकास होगा, उसमें किसी भी क्षेत्र से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, हरियाणा सारा एक है। तो फिर ये कहना आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गलत है, लोगों में संकेत गलत जाता है? मुझे नहीं पता किस संदर्भ में ये बात कही है, क्योंकि जिन इलाकों के साथ कोई नाइंसाफी हुई होगी उसको भी हम दूर करेंगे, देन हम हरियाणा का सम्मान करेंगे। आपने कहा भ्रष्टाचार जाहिर तौर पर हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहता है और था भी, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी ने जो कैबिनेट का विस्तार किया उसमें ये सवाल उठकर आए कि यूपीए में जितने सांसद या फिर जो मंत्री कैबिनेट में बनाए गए जो दागी थे, उससे ज़्यादा अब नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है। तो स्वच्छता की हम बात करते हैं, राजनीति में स्वच्छता कैसे आए? देखो, मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी दागी सांसद है माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में लिया हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो एक बात कहते हैं, आदमी की स्वच्छ छवि होनी चाहिए, और हर तरह वो तो सफाई पसंद है, चाहे हम फील्ड में जाएं चाहे किसी भी काम में जाएं, तो उन्होंने स्वच्छता अभियान भी शुरू किया है। वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जब हम स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ये स्वच्छता अभियान जो चला, लेकिन हम राजनीति में स्वच्छता कैसे ला सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे दिल से वो लगे हुए हैं कि हमने राजनीति में भी स्वच्छता लानी है और ला रहे हैं, चाहे कोई नई बातें हों, चाहे हमें गाँव के विकास की बात करनी हो, चाहे मॉडल करना हो, चाहे गरीब आदमी की प्रधानमंत्री धन योजना के नाम से जो हमने चालू की उसकी बात हो, चाहे दूसरी स्कीम हो, हर स्कीम में वो चाहते हैं कि लोगों को जो भी हम सहूलियत दें, बात पहुँचे, उन डायरेक्ट पहुँचे, कोई बीच बचाव में कोई आदमी नहीं होना चाहिए। जो पहले करप्शन था वो इस तरह की कोई बात नहीं होगी। बतौर सांसद आप क्या अपने आप को किस तरह से देखते हैं, अपने कामों को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, आपकी प्राथमिकता क्या है? मेरी प्राथमिकता ये है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहले ना तो विकास के काम हुए, उनमें बड़ा भारी
भेदभाव था, मैं उनको दूर कर रहा हूँ। और एक सांसद के पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत काम है, अगर करना चाहे तो वो 24 घंटे भी उसको फुर्सत नहीं मिल सकती, क्योंकि बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है और लोगों की हमसे हमारी सरकार से बहुत इच्छाएं हैं। तो फिर उसकी प्रायोरिटीज आपके काम की क्या है? क्या हमने सबसे पहले एक प्रायोरिटीज की है कि हमारे क्षेत्रीय रोड सारे ठीक होने चाहिए, क्योंकि जब तक रोड नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। सबको पीने के पानी की हम कोशिश कर रहे हैं, पीने का पानी मिले और शिक्षा क्षेत्र में जबरदस्त सुधार हो, ये बातें हम सबसे पहले ले करके, और गांव का विकास हो और गरीब आदमी को रोजगार मिले और विकास का रास्ता आगे बढ़ता हुआ जाए। आपने जो कहा वो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा हो सभी उसी की उम्मीद करते हैं, वायदे बहुत किए जाते हैं, सपने बहुत दिखाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी बहुत होती हैं, लेकिन उन वायदों को पूरा करने के बीच का जो फासला है, हकीकत में आपसे जानना चाहूंगी वो कितना बड़ा है और कितनी जल्दी आप उसे तय कर पाएंगे? ऐसा है, चुनौतियाँ बड़ी हैं, लेकिन हर हम संभव, क्योंकि प्रधानमंत्री मन से लगे हुए हैं, सरकार मन से लगेगी, हमें उम्मीद है कि हम इन जो बहुत बड़ी खाई है, रास्ता है, उसको हम पार करेंगे। तो आप जब एक सांसद होता है, सांसद का अपना एक डेवलपमेंट फंड है, उसे रिलीज किया जाता है, क्या आपने वो पूरा प्लान बना लिया, क्या आपने वो स्ट्रैटेजी बना ली कि आपने कहाँ कहाँ डेवलपमेंट वर्क जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं आपको करने? मैं जैसे गाँव का धन्यवादी दौरा कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, जो भी गाँव की समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता आधार पर लेकर उनके लिए हम खर्च कर रहे हैं। कल भी मैं जींद, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ पर गवर्नर साहब भी गए हुए थे, गांव में हम गए, उस गांव में काफ़ी अच्छा काम हुआ था, जो कमी पेशी थी उसको भी हमने पूरा करने के लिए MP फंड से जो हो सकता वो कर रहे हैं। एक कहा है प्रधानमंत्री जी भी योजना है कि टॉयलेट हम स्कूलों में जितनी हैं वो सारी पूरी करवा रहे हैं, उसके लिए भी वो मंगवा लिया है, वो बना है। दूसरा रेलवे स्टेशनों के लिए है, अगर वहाँ पर हम लोगों में बैठने की सुविधा प्रदान कर सके MP फंड से, उसका मैंने आज अध्ययन किया है। और जो प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू की, एक सांसद है एक गांव को पहले साल में गोद ले, बल्कि वो गांव ही गोद ले, और वो भी शुरू किया मैंने। दतौली गांव है हमारे गन्नौर क्षेत्र में पड़ता है, पिछली भी जातियां हरी SC बैकवर्ड का गांव है, पूर्ण रूप से गरीब गांव था, मैंने उसको इसके लिए कुछ चुना। कुछ पैरामीटर्स हैं एक गांव को गोद लेने के और फिर उसे मॉडल विलेज बनाने के, आपने जो ये गाँव चुना इसी को क्यों चुना, क्या खासियत? इसको इसलिए चुना, ये सबसे पिछड़ा हुआ गांव था और गरीब आदमी रहते थे जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं थी। अगर हम इस गांव को आगे बढ़ाएंगे तो और गांवों को भी इससे सहूलियत मिलेगी, पता चलेगा कि जब ये गांव आगे जा सकता है तो दूसरे भी जा सकते हैं। इसमें ज्यादातर मजदूर लोग, गरीब आदमी, पिछड़ी जाति और हरिजन जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, इस वजह से मैंने इसको चुना है गाँव में, ताकि इस गांव में पूरा सुधार हो सके। दो बातें हैं कि जबकि बहुत बड़ा एक पॉइंट प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, जब उन्होंने कहा कि एक गांव को गोद लेना है किसी सांसद को, तो उन्होंने कुछ रूल्स रखे हैं कि ये पैरामीटर्स फॉलो होने चाहिए, क्या आपने वो सारे पैरामीटर्स देख के ही इस गाँव को चुना? वो सारे पैरामीटर देख के ही हमने इस गाँव को लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था 5,000 तक का गांव होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, वो किसी रिश्तेदार का, किसी अपने का गांव नहीं होना चाहिए, रिश्तेदार का नहीं होना चाहिए, और को किसी तरह का वो गांव नहीं होना चाहिए जिससे अपना कोई रिश्तेदारी पड़ती हो और कुछ पड़ता हो या अपना गांव पड़ता हो, वो सब बातें छोड़ के इस गांव को जो पैरामीटर रखे थे उन आधार पर। दीपेंद्र हुड्डा ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि एक गांव गोद लेने से कुछ नहीं होगा, इस स्कीम में बहुत बड़ी खामियां हैं, ये आपको कैसा लगता है? ये ऐसा है, ये बौखलाहट की निशानी है। कांग्रेस का इतने दिन शासन रहा, अगर वो इससे शुरू करते तो आज तक सारा भारतवर्ष मॉडल विलेज के गाँव के रूप में बदल जाता। लेकिन आप तो कुछ कर नहीं सके, मोदी जी करना चाहते हैं तो जो विपक्ष का काम है वो अपना निभा रहे हैं, कम से कम एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। और इससे लगभग इस प्लान में हर सांसद 3 गांव भी करेगा तो उसके हिसाब से भी 2,500 गांव के करीब तो ये हो जाएंगे, हर साल ये काम मामला चलता है। उन्होंने लिखा अपने खत में कि बहुत लंबी प्लानिंग है, ऐसे तो पूरे गांव को डेवलप करते हुए 750 वर्ष तक का समय लग जाएगा। मेरे ख्याल में उनकी सोच का फर्क है, ये आज हम ये रखे है, अगली बार उसे बढ़ा देंगे ना, जल्दी जल्दी स्पीड से करेंगे, शुरुआत तो करें एक बार, ये थोड़ी है कि हम हर बार इतने ही होंगे, इसके बाद हम स्पीड भी बढ़ाएंगे, काम भी बढ़ाएंगे और हम बहुत जल्दी
मोदी जी का जो सपना है वो आने वाले समय में तो इस गांव को मॉडल विलेज बनाने के लिए आपकी जो सेट पैरामीटर्स हैं, आपकी जो प्राथमिकता है, आप वो क्या करेंगे इसमें? इसमें हम एक तो ये करेंगे 10+2 तक का शिक्षा का क्षेत्र और कोई वोकेशनल एजुकेशन उसके साथ, हेल्थ सेंटर और पशुओं का हॉस्पिटल। गाँव की कोई भी गली कोई भी रास्ता कच्चा नहीं रहेगा। गाँव के बच्चों के लिए हम अच्छा पार्क का भी निर्माण करेंगे। गाँव में पंचायत भवन, दूसरा उन सब सुविधाएं हम देंगे जो एक गांव में चाहे, और उसमें हम कोशिश करेंगे बैंक का भी वहाँ हो ताकि लोगों को एक दिक्कत ना हो। हमारी कोशिश है जो शहर में जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं हम उस गांव में देंगे। और उसके ऊपर हमने लगभग काम भी हम शुरू कर रहे हैं। अभी मैंने 20 तारीख की, फिर ये 20 आने वाली है, उसकी मीटिंग वहाँ उसी गांव में 3 बजे। सारे एक गांव को मॉडल विलेज डेवलप करने के लिए कितना फंड लगेगा, और ये जो फंड का प्रावधान है ये क्या जो एक सांसद को अलॉट होता है उसी में से आप ये पूरा का पूरा पैसा लगाएंगे? हम उसमें से भी लगाएंगे, बाकी फंड सरकार भी मदद करेगी इसमें। राज्य सरकार, राज्य सरकार से, सेंटर से, जो भी जहाँ से मदद मिलेगी, और हो सकता है थोड़ी बहुत मदद गांव वाले या दूसरा आदमी भी कोई करे, देन हम उसको कंप्लीट करेंगे। जितना हमारा वो तो लगेगा ही लगेगा, कमी पेशी रहेगी तो उसकी भी हम भरपाई करने की कोशिश करेंगे। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि एक सांसद से के गांव गोद लेने से क्या होगा, हर विधायक को भी चाहिए कि वो एक गांव गोद ले। ये एक अच्छी बात है, ये मोदी जी ने भी कहा है हर विधायक भी एक एक गाँव को गोद लेगा। जैसे हमारे 90 गाँव विधायक हैं, 90 गांव वो हो जाएंगे, ये होंगे, और भी हम कोशिश करेंगे, ये जरूरी नहीं हम एक ही करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम दूसरा भी कोई साथ में कर सकें। जैसे मैंने एक लिया, एक दूसरा गांव और था उसमें मैं कल भी गया था, उसमें जैसे कुछ में तो 50% तक ठीक है, उसको और साथ लेके भी पूरा करेंगे। ये कोई हाथ नहीं बंधेगा, हम एक गांव के बाद दूसरे में कुछ नहीं करेंगे। कोशिश तो हमारी है हर गांव में काम करेंगे। लेकिन ये जो हर विधायक एक गांव गोद ले, इसको लेकर अभी तक कोई अनाउंसमेंट फॉर्मल तौर पर राज्य सरकार की तरफ से नहीं की गई है कि हर विधायक एक गांव गोद ले। अभी सरकार नई नई बनी है, जल्दी हो जाएगा इस पर भी फैसला, लेकिन इस पर चर्चा हो चुकी है, चर्चा हो रही है। हाँ, ये विधायक भी, हमारे विधायक भी के गांव लेंगे। लेकिन उसमें एक चीज आती है, क्योंकि किसी भी विधायक, जिस तरह से सांसद को एक फंड मिलता है, हरियाणा में किसी विधायक को विधायक निधि नहीं मिलती है, तो जो सरकार में विधायक होगा उसके पास तो फंड आ जाएंगे, जो ऑपोजिशन का विधायक है या फिर जिसको विधायक निधि नहीं मिली हुई है वो कैसे इसे डिवेल्प करेगा? उसका भी जब हम ये प्रोग्राम लागू करेंगे उसके लिए सरकार सोचेगी कोई ना कोई रास्ता निकाल के, जब भी तो बात बनेंगे वो भी करेंगे। वो स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा वो कैसे अपना इसका रास्ता निकालेंगे। आमतौर पे ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी पहली बार सत्ता में हरियाणा में आई है, तो बहुत मुश्किल होगा सरकार चलाना क्योंकि कुछ लोगों को अनुभव नहीं है, आप किस तरह से देखते हैं? हम एक अच्छी सरकार चलाएंगे, हमारे पास अनुभव के भी हैं और जो दूसरे साथियों बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे। जैसे मैं 2 बार सरकार में मंत्री भी रहा हूँ हरियाणा में, हम सब उनको सहयोग करेंगे हर काम में, जहाँ भी हमारे साथियों को दिक्कत आएगी हम उनके साथ हैं, और पूर्ण रूप से एक अच्छी और स्वच्छ सरकार हम देंगे, और उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव हमने हरियाणा की सियासत में देखा, तो आने वाले वक्त में आप ये पूरे बदलाव को किस तरफ जाते हुए देखते आने हैं? वाले समय में, और अब एक बदलाव आपको नजर आएगा कि हमने एक स्वच्छ शासन दिया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है, और हरियाणा को एक विकास के रास्ते पर चलाएंगे, और जो खोखड़े नारे पिछली सरकार ने दिए उस तरह की हमारे यहाँ कोई बात नहीं होगी। सिर्फ उद्घाटन कर दो ये करो वो बात नहीं होगी, हम काम करके दिखाएंगे, और इसका रिजल्ट भी साल भर बाद आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। हरियाणा में एक जबरदस्त बदलाव आया है। सबसे बड़ा बदलाव तो एक है कि अब हरियाणा की जनता को ये विश्वास है कि एक अच्छी सरकार देंगे, तो हम उनकी आशाओं पर खरे उतरने की हर संभव कोशिश करें। क्या कुछ दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए हैं सरकार को, सांसदों को, कि इन इन चीज़ों का पालन तो आपको करना ही करना है, क्योंकि हमें बेहतर एक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तो किस तरह के दिशा निर्देश? हमें एक तो एक बात है कि चाहे हमारा MP हो, चाहे मंत्री हो, चाहे MLA हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सब अपने आप को एक सेवक के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है,
कोई आदमी अपने आप को ये ना समझे अगर मैं कुछ बन गया हूँ, बल्कि ये है कि सेवक के रूप में काम करे और ये माने जनता ही सुप्रीम है। वेरी इंपॉर्टेंट आपने ये बात कही कि जनसेवक, एक मंत्री एक नेता जनसेवक है। तो फिर जब हम वर्क कल्चर, बीजेपी वर्क कल्चर बदलने की बात करती है, मनोहर सरकार भी वर्क कल्चर बदलने की बात करती है, नरेंद्र मोदी भी वर्क कल्चर बदलने की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि अभी भी ये ट्रेंड बददस्तूर जारी है जहाँ पर नेता को देखते ही लोग नीचे झुककर प्रणाम करने की कोशिश करते हैं, क्या वो कल्चर बंद नहीं होना चाहिए? वो कल्चर बंद हो चुका है? नहीं हो चुका है, एक आध जगह जो कर रहा है, मोदी जी ने तो एक बात कही है। मैं आपको ऐसी तस्वीरें चंडीगढ़ की दिखा सकती हूँ, सेक्रेट की दिखा सकती हूँ, जहाँ पर सभी बीजेपी के नेता जहाँ जा रहे हैं और लोग उनको मिलने के लिए, ये इसलिए नहीं कि हम ये सवाल उठाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बदलाव हो, इसलिए मेरा ये सवाल है आपसे, लेकिन वहाँ पर अभी भी लोग झुक कर उनको प्रणाम कर रहे हैं। वहाँ पर ये आपको नहीं लगता कि उस वक्त उस मंत्री की ये फर्ज है, नेता है, कि आप ये सब मत कीजिए? अब मैं बताऊं, मोदी जी ने बनते सबसे पहले तो एक बात की, आगे कभी किसी ने किसी पैर नहीं छूने जी, और उन्होंने ये लागू भी पूरा, और उन्होंने कहा अगर कोई इस तरह का काम करता है तो मैं तो उससे सख्त नाराज होता हूँ, और डायरेक्शन भी है कोई किसी के पैर ना छुए ना करे, और उसके लिए हम हमारे चलो कोई नज़दीक हम तो ये होने नहीं देते, अगर किसी नेता पर छूते तो उस नेता को चाहिए कि वो आगे से उनको कहे, इस तरह की हिदायत दे, और देनी चाहिए और देंगे, और लोग हम धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, क्योंकि लंबी परंपरा पड़ी हुई थी, वो छूटते थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, वो लग हो जाएगा जल्दी, लेकिन इसके लिए पहल तो जो नेता है उसको करनी होगी, क्योंकि जब हम ये बाहर लिख के लगा देते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं करनी है, तो फिर अपने आप ही जनता में वो जागरूकता, वो अवेयरनेस फैलेगी, और जो आपके आसपास के लोग होते हैं वही इस बात को फैलाते हैं, तो इसके लिए पहल तो करनी होगी। पहल तो कर दी प्रधानमंत्री जी ने, पहल कर दी, अब सबको अपने आप करनी पड़ेगी। एक आध को कर रहा होगा, आप टीवी में दिखा दोगे अपने आप और ठीक होता चला जाएगा, यानी आप पूरी की पूरी तलवार हमारे नहीं, वो ये तो और हो जाएगा, कोई अपने आप ही कर लेगा, और मेरे ख्याल में नेता ने किसी ने सोचना भी नहीं चाहिए कोई पैर छुए, उससे जो पैर छुआता है ना उसकी गरिमा कम होती है, बढ़ती नहीं है। और राजनीति में जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, हम ओवरऑल स्वच्छता की बात करते हैं, तो अपने विचारों में भी स्वच्छता लानी होगी, तभी हम ये बदलाव ला सकते हैं। और उसमें एक और है, जब जो पैर छूता है ना उसका हितेश ही नहीं होता जिसके पैर छू रहा है, वो भी उसका नुकसान ही कर रहा है, और उस नेता का भी हो रहा है, क्योंकि उसमें चापलूसी की बू आती है, और जहाँ चापलूसी होगा, चापलूस आदमी कभी किसी के भलाई में नहीं, सिर्फ अपने मतलब के लिए कर रहा है, इसलिए उनसे हमने सबने बचना भी चाहिए और सख्ताई से इस नियम का पालन करना चाहिए। उम्मीद है कि बीजेपी के जो लोग आपका ये इंटरव्यू देखेंगे वो इस बात को जरूर सुनेंगे और समझेंगे भी कि चाटुकारिता और इस तरह के परिणाम से और इस तरह की ड्रामेबाजी से उन्हें दूर रहना बेहद जरूरी है, अगर हम स्वच्छ राजनीति की हम बात करते हैं। लेकिन एक सवाल बीजेपी के नेताओं पर खड़े हुए कि जिस तरह से डेरे ने खुले तौर पर समर्थन दिया बीजेपी को चुनाव में, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय या बाकी के नेता डेरे पे संत जी को नमन करने के लिए चले गए, क्या इस तरह की राजनीति क्या जायज है? क्योंकि पहले हम संतों के पास वोट बैंक की राजनीति के लिए जाते हैं, फिर वही संत राजनीतिक संरक्षण मांगते हैं, और फिर वही होता है जब आप देख रहे हैं जो अभी जो संत हैं वो कोर्ट के आदेशों का क्या धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये किस तरह का कल्चर? ऐसा है, कोर्ट के आदेशों की किसी नहीं उड़ानी चाहिए और ना उड़ाने देनी चाहिए सरकार को, हम तो इस फेवर में नहीं उड़ानी चाहिए, और ना हमें इस कल्चर को ज्यादा पनपने देना चाहिए जी, तो इससे कोई समाज को या किसी को फायदा नहीं होता ना सरकार को, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई संत हो चाहे दूसरी बात हो, सबके लिए कानून बराबर है, लेकिन उसका पालन करना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा वही है ना कि जब हम संतों के पास वोट के लिए जाते हैं तो फिर वो भी हमसे कुछ उम्मीद करने लगते हैं, क्या ये राजनीति का पहलू सही है? ऐसा है, हमें तो चलो वोट मांगनी है, वोट मांगने लिए हो सकता है हमें किसी के पास भी जाना पड़ता हो, कह दिया जी वोट दियो हासिल हो, लेकिन हमें उसको ये नहीं बनाना चाहिए अगर हम फिर वो करें, क्योंकि मैं तो अपनी बता सकता हूँ, अपनी तो ये कोशिश होती नहीं, बाकी के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन आप इतना तो कहीं ना कहीं अग्री करेंगे कि ये बदलाव भी राजनीति में होना ज़रूरी है? ये बदलाव तो हर बदलाव तो
राजनीति में जरूरी है ही वो तो, क्योंकि सबने कानून का पालन करना चाहिए और कानून से बड़ा कोई नहीं बनना चाहिए, चाहे कोई भी। लेकिन सवाल खड़े हो गए जब बीजेपी के नेता राम रहीम के पास चले गए डेरा सच्चा सौदा, उनका धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने खुलकर बीजेपी का इस बार समर्थन किया। ये जो राजनीति है ये अलग तरह की राजनीति को जन्म देती है। ऐसा है, मुझे इसके बारे में एक तो ज्यादा पता नहीं है, ना तो मैं था ना मुझे पता है, इसलिए इस पर मैं ज्यादा कमेंट्स भी नहीं करना चाहते हैं इस बात से, क्योंकि पार्टी के बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो कहना चाहते हैं। जो भी हो, क्योंकि मैं खुद नहीं था इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। चलिए बेहतर, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बतौर सांसद आपको क्या लगता है कि सभी सांसदों की इस वक्त आइडियोलॉजी और प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? इस समय एक ही होनी चाहिए, जो जनता ने विश्वास किया है, जो लोगों ने विश्वास किया है, हमने उस पर हर संभव खरे उतरने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हमने अपने आप को लोगों के मॉडल के रूप में दिखाना पड़ेगा। हाँ। चाहे काम हो चाहे दूसरी बात हो। हाँ। जिस तरह मोदी जी करते हैं वही सिस्टम ले गए काम करना पड़ेगा तो बात बनेगी। अभी विपक्ष में अगर हम देखें तो बड़ा बदलाव आया है, कांग्रेस की ने अपनी बागडोर अब किरण चौधरी को दे दी है, आपको लगता है कि कांग्रेस इसे रिवाइव कर पाएगी? देखो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उन्होंने जो अच्छा लगा वो करा, उसके बारे में आपको, आप विपक्ष को कहाँ देखते हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी विपक्ष को इस वक्त अभी, अभी तो विपक्ष है नहीं। हाँ। जब होगा जब देख लेंगे, अभी तो कमजोर है विपक्ष, कहीं है नहीं। चलिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो विपक्ष अभी है नहीं, जब होगा तब देख लेंगे, लेकिन क्या इससे आंखें बंद करके बैठ जाना सही होगा? फिलहाल इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। हम लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।